एक्यूरेसी हमारे गेम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अगर कोई बंदा एक्यूरेसी को सही से मेंटेन करना नहीं जानता है देन वो ना तो डायरेक्ट हेडशॉट सही से मार सकता है और ना ही वन टैप सही से मार सकता है। इवन उसका बॉडी शॉट भी सही से कनेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है आपके गेम प्ले में। और जो बंदा सही से अपना एक्यूरेसी को कंट्रोल कर लेता है देन वो छोटे से छोटे पिक पर भी बंदे को हेडशॉट मार सकता है और उसका हेडशॉट मिस होने का बहुत ही कम चांस होते हैं। सीएस वीडियो में यही कहा है कि आप लोग भी अपने एक्यूरेसी को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हो और आप लोग भी ओपी लेवल का हेडशॉट मार सकते हो। सो गाइस वीडियो को पूरा देखना, काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और सही बताओ तो ये काफी इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एंड आई एम श्योर गाइज कि अगर आप लोग मेरे बताए हुए सारे टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो कर लेते हो देन आपका एक्यूरेसी एकदम ओपी लेवल का हो जाएगा और आप बहुत खतरनाक लेवल तक हेडशॉट मारेंगे। सो यस चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जो जो हमारे चैनल पे नए बंदे आ रहे हैं तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे ओपी वीडियोस आते रहते हैं। सो गाइज एक्यूरेसी इंक्रीज करने के लिए जो सबसे पहला टिप्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है वो है स्मॉल फायर। देखो अगर तुम अच्छे अच्छे प्रो प्लेयर को फॉलो करते हो और अगर उनका मोनेटाइज वीडियो भी देखते हो तो तुमको एक चीज कॉमन देखने को मिलेगा कि वो लोग बहुत स्मॉल फायर करते हैं, चाहे उसके पास UMP MP40 चाहे कुछ भी गन हो, मतलब थोड़ा सा फायर करते हैं देन उसके बाद ग्लूअर लगाते हैं या फिर गन स्विच कर रन करते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका सिंपल सा रीजन है कि अगर आप लोग लॉन्ग फायर करते हो तो जो आपका एम है वो बहुत ज्यादा रिकॉल करने लगता है और गोली बॉडी के बहुत इधर उधर भागने लगता है। तो ये तो हो गया हमारा पहला ट्रिक। सो गाइस नेक्स्ट ट्रिक है फास्ट टैग और ये बहुत यूनिक ट्रिक है। तो क्या होता है, हर एक गन का रिकॉल होने में टाइम लगता है, मतलब तुम 2-3 गोली मारे उसके बाद ही गन रिकॉल करता है, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, हमें इस टाइम से पहले ही हेडशॉट कनेक्ट करना होता है और अगर हम लोग इस चीज को फास्टली ड्रैग करते हैं देन हमारा एम बिना रिकॉल किए बंदे के हेड से कनेक्ट हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और वो है ओवर ड्रैग। मतलब फास्टली ड्रैग तो हम लोग कर देते हैं बट गोली हेड पर नार लग के स्काई में चला जाता है। सो ये होता है ओवरड्रैग और इसको ध्यान देना है। और इस चीज को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, मोबाइल सेंसिबिलिटी। देखो अगर आपका ओवरड्रैग हो रहा है तो क्या करना है, तुम्हारा जो सेंसिबिलिटी है ना उसको कम कर लेना है और ओवरड्रैग प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। सो हे गाइज आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, पर आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता को नहीं पहचानते।